क्या है त्रिपुरालय, क्यों है त्रिपुरालय? त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है, क्यों इसे बांटना है त्रिपुरालय और त्रिपुरा में, क्यों सेपरेट स्टेट? तो सुनिए, अगर आपने कभी भी राष्ट्र विज्ञान पढ़ा हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि कभी भी नया राष्ट्र या फिर नया राज्य का मांग तभी उठता है जब कोई भी संप्रदाय के जाति को शोषण किया जाता है दूसरे संप्रदाय के जाति को उन्नत करने के लिए, उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए। नया राज्य का मांग तभी उठता है जब कोई भी निर्दिष्ट संप्रदाय के लोग, संप्रदाय के सरकार दूसरे संप्रदाय पर अत्याचार करते हैं। एक नया राष्ट्र, नया राज्य का मांग तभी उठता है जब सरकार अपने संप्रदाय के लोगों को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए दूसरे जातियों के मांग, दूसरे जातियों के प्रत्याशा आशा को बलि देता है। जब अखंडता के नाम पर अल्पसंख्यक लोगों के मांगों को ठुकराकर उन पर शोषण पे शोषण चलाया जाता है तभी उठता है अलग राज्य का मांग, तभी उठता है अलग राष्ट्र का मांग। यही कारण है त्रिपुरालैंड मांग का भी। आज भारत के पूरे उत्तर पूर्वांचल में सबसे इग्नोर्ड राज्य है त्रिपुरा, जहाँ के मूल निवासी त्रिपुरी लोग सबसे इग्नोर्ड हैं। उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, उनके मुश्किलों को। अगर कोई भी इंसान त्रिपुरा पे घूमने आता हो तो पता है त्रिपुरियों को कैसे दिखाया जाता है? अगर कोई भी मंत्री त्रिपुरा पे आता हो तो त्रिपुरियों को दिखाया जाता है आदिवासी, ट्राइबल, त्रिपुरा के जंगल के कोने में बस रहे आदिवासी ट्राइबल के रूप में त्रिपुरियों को दिखाया जाता है। त्रिपुरियों के इतना शक्ल भी त्रिपुरा पर नहीं दिखता अगर हमारा संविधान नहीं होता, अगर हमारे संविधान अल्पसंख्यक लोगों के लिए कोई आईन नहीं बनाता तो इतना भी शक्ल त्रिपुरी लोगों का त्रिपुरा में नहीं दिखता। आज त्रिपुरा में त्रिपुरी लोग बेघर हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों को आश्रय दी है। आज त्रिपुरा में त्रिपुरी लोग भूखे हैं क्योंकि उन्होंने अपने थाली के खाना दूसरों को दी है। आज त्रिपुरा में त्रिपुरी लोग बेरोजगार माइग्रेंट वर्कर बनकर बेंगलोर, बिहार पर टॉयलेट साफ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा में दूसरों को व्यापार करने के मौका दी है। और अब पता है क्या होगा? अब दूसरों के भाषा को उन्नत की शिखर पर पहुंचाने के लिए त्रिपुरी लोगों की जुबान को छीन लिया जाएगा। हमारी जुबानी, हमारे कोकबरक भाषा पर भी दूसरों के स्क्रिप्ट को डाला जा रहा है। नाम, शोहरत, जमीन जायदाद, रोटी कपड़ा सब छीन लिया, फिर भी मन नहीं भरा। अब त्रिपुरी लोगों की जुबानी छीननी है, कोकबरक भाषा पर बंगाली स्क्रिप्ट ही डालना है, मतलब एक बहुल संख्यक संप्रदाय के लोगों के भाषा को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए, उन्नत करने के लिए वापस त्रिपुरी लोगों को ही बलिदान देना होगा, त्रिपुरी लोगों का ही बलि चढ़ाया जाएगा। यही है कारण त्रिपुरालैंड मांगने का। यही होता था, यही होता रहा है, यही होता जाएगा।